महरम वो लोग हैं जिनसे आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको आप वो लेडीज के जिनको आप विदाउट स्टाफ देख सकते हैं, ठीक है, वो बॉयज जिनसे आप हाथ मिला सकते हैं, जिनके सामने आप स्टाफ उतार सकते हैं, वो आप गर्ल्स के लिए ठीक है। और इसकी डिटेल डिफिनेशन इंशाल्लाह बाकी सब इसके अंदर आ गया। वर्कशॉप विल बी फॉर 30 मिनट्स, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं 20 मिनट्स, कुछ सवाल आप पूछेंगे कुछ मैं पूछूंगा, ठीक है, और उसके बाद 10 मिनट्स की एक्टिविटी होगी। ये बेसिकली 4 वर्कशॉप का सेट है, जिससे हदफ ये है, गोल ये है कि जितने वो मसाइल जो हमारी जिंदगी में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो हम रोजाना फेस कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है, ये बहुत कॉमन टर्म है, हम सबको पता होना चाहिए, स्पेशली उन गर्ल्स को जो 9+ हैं, उन बॉयज को जो 14+ है, ठीक है। ग्रुप की डिटेल बेस इंशाल्लाह 3rd वर्कशॉप। आज की वर्कशॉप अहकाम निगाह, निगाह यानी देखने के अहकाम, साइटिंग रूल्स फॉर साइटिंग, किसको आप देख सकते हैं, कितना देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वर्कशॉप तहारत के ऊपर, तहारत क्या है, कैसे तहारत हासिल होती है। उसके बाद अहकाम बुलूग, बालिग कौन है, कौन अपने तमाम अहकाम वाजिब की नियत से अंजाम देगा, कौन मुस्तहब की नियत से। और लास्ट पीस की तरह वो प्रॉब्लम्स, जो वो करंट अफेयर, वो करंट प्रॉब्लम जो हम आजकल फेस कर रहे हैं। द लास्ट 2 सेशन विल बी सेपरेटली फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। स्क्रीन किसको नहीं दिख रही है, दिख रही है आप, बाबर में दिख रही है आपको स्क्रीन, क्लियर, इससे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ओके, अटेंशन क्लियर जी, आपको दिख रही है, श्योर, आप रीड कर सकती हैं जो लिखा है, देखा, बिकॉज देयर इज सम टेक्स्ट टू रीड अबाउट, ओके, एनी प्रॉब्लम, स्टार्ट होने के बाद डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ओके, محمد والے محمد صلوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المالک القدوس العزیز الحکیم الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ الطاہرین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم سورة نور قرآن مجید کا وہ چیپٹر ہے کہ جس کے اندر اسپیسیفکلی وہ تمام رولز بتائے گئے ہیں جو حجاب سے متعلق ہیں اور ہماری سوشل لائف سے متعلق ہیں، اسپیشلی فار گرلز، ٹرائی ٹو ریڈ ونس وتھ ٹرانسلیشن چیپٹر نور فرام قرآن، اٹ ول ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈنگ دس ورک شاپ اینڈ فردر۔ ڈیفینیٹلی وین آل مائٹی اللہ ڈیسائڈڈ سم رولز فار اس، He knows better for us. Okay? So He created us. Always you know about the functions of your creations. Which thing suits them and which is not good for them. Right? Like, main yahan par agar ye design karta hoon, mujhe pata hai ki iske functions kya hain, agar main iska creator hoon. Aur iske liye kya cheez better hai.
इसको कितनी पावर की जरूरत है, इसे कितनी लाइफ से बचाना है, इसको किस वेदर से मुझे सेव करना है, इसकी बाउंड्रीज क्या हैं कि जिनके अंदर इसका काम होगा, जहां पर ये यूजफुल है। अगर इस चीज को आउट ऑफ बाउंड्री यूज किया जाएगा तो इसका हदफ, इसका गोल, इसका क्रिएशन का गोल जो है वो खत्म हो गया। इस वजह से कुरान मजीद ने एक आयत के अंदर ये बात की कि प्रॉफिट को ये मैसेज दिया कि उन तमाम लोगों को जो मोमिन हैं, जो बिलीव रखते हैं, उन्हें ये बता दो कि उनके ऊपर जरूरी है कि अपनी आंखों की हिफाजत करें और इसी तरह अपने बॉडी पार्ट्स की हिफाजत करें या प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करें। उनके लिए इस जिंदगी गुजारने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ फ्रेम्स हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है, जिसके अंदर अक्सर ये समझा जाता है कि शायद सिर्फ गर्ल्स के लिए ये प्रॉब्लम है कि उनको हिजाब करने का आ गया। हम डिटेल में नेक्स्ट वर्कशॉप हमारी जब हिजाब पे होगी वहां हिजाब पे तफसील से गुफ्तगू करें। ज़ाहिरन ऐसा लगता है कि सिर्फ गर्ल्स के लिए रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, कानून हैं, मसाइल हैं कि इन पे हिजाब वाजिब है। नहीं, बॉयज के लिए भी ऐसा, बॉयज के लिए भी इसी तरह से मसाइल है कि वो किस चीज को देख सकते हैं। वो तमाम बॉयज जो 15 इयर्स प्लस हैं, वो गर्ल्स जो 9 इयर्स प्लस, यहां पर ये समझा जाता है कि गर्ल्स को 9 इयर्स प्लस क्यों कहा जा रहा है। डेफिनेटली बिकॉज दे आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। लड़कियां लड़कों से ज्यादा जल्दी एज में जिम्मेदार हो जाती है। इट्स गुड, आपके पास कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज है तो आप किसी बच्चे के हाथ नहीं भिजवाते कि ये ले जाओ और किसी को दे दो। आप कहते नहीं, इसके लिए मुझे कोई रिस्पॉन्सिबल चाहिए जिससे मैं पूछ तो सकूं। राइट, तो गर्ल्स को खुदा ये कहता है कि उनके अंदर ये एबिलिटी है, ये क्वालिटी है कि वो तकरीबन 5 या 6 साल पहले बॉयज से ज्यादा मेच्योर हो जाती है मेंटली, फिजिकली। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको अपने घरों में नजर आ रही है। अगर आपकी कोई सिस्टर है जो अभी 9-10 इयर्स ओल्ड है, शी इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल देन यू गाइस। अब दीन इस्लाम ने जब ये बात की है कि वो तमाम चीजें जो तुम अपने हिसाब से खुद इंतखाब नहीं कर सकते, विच यू कैन नॉट डिसाइड फॉर योरसेल्फ, वी आर गोइंग टू डिसाइड डेफिनेटली इन आवर लाइफ व्हेन वी डोंट नो अबाउट समथिंग, वी आर गोइंग टू स्पेशलाइज। राइट, लाइक आई वांट टू बाय अ न्यू लैपटॉप, सो आई शुड गो एंड सर्च अबाउट द लैपटॉप, विच काइंड ऑफ मशीन्स अवेलेबल विद माय बजट्स एंड ऑल दिस। इफ आई डोंट नो, आई कैन नॉट सर्च, आई हैव टू गो टू द पर्सन हु इज स्पेशलाइज अबाउट, राइट, and that person who's specialized about the problems, about the practical law of Islam, called mujtahid. Very simple. Okay, that's why you have to follow the ruling of one of mujtahideen, one of specialized person in the religion of Islam. Ab jab इस एज पे लड़का और लड़की पहुंच रहे हैं तो उनके लिए कुछ अहकाम है कि जिनमें वाजिब हैं दोनों के लिए, और इसमें दोनों बैलेंस है इस्लाम की निगाह में, यहां पर कोई नाइंसाफी नहीं है इस्लाम की निगाह में। क्योंकि डेफिनेटली एक चीज उसूल दीन में से तौहीद के बाद सेकंड उसूल दीन क्या है, उसूल दीन अदल यानी जस्टिस। ओके, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो खुदा के जिसकी मेन स्पेशलिटी वननेस के बाद जस्टिस काउंट होता है, वो किसी तरह से ऐसा काम कर दे जो कि जस्टिस के खिलाफ हो। सो गर्ल्स प्लीज रिमूव दैट क्लॉथ फ्रॉम योर हेड। इफ यू थिंक कि आपके लिए पाबंदी है, दैट्स नॉट पाबंदी, दैट्स नॉट बाउंड्री, दैट इज बेसिकली सिक्योरिटी। जो मशीन जितनी एक्सपेंसिव होगी, जो डिवाइस आपकी जितनी एक्सपेंसिव होगी, उसके लिए उतना अच्छा एंटीवायरस चाहिए आपको। द थिंग्स, द मशीन विच डोंट हैव द इंपॉर्टेंट डेटा, दे डोंट नीड टू कवर। इंशाल्लाह हिजाब के वर्कशॉप में ये डिटेल डिस्कस करेंगे। महरम और ना महरम,
महरम वो होते हैं कि जिनसे आप शादी नहीं कर सकते। सिंपली महरम वो लोग हैं जिनसे आप शादी नहीं कर सकते, विच यू कैन नॉट मैरी विद देम। ठीक है, अब इसकी डिटेल डेफिनेशंस बाद में आएंगे। और डेफिनेटली इफ देयर इज समवन व्हिच इज नॉट महरम विद यू, देयर इज टू काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन अबाउट। नंबर वन, इट्स फॉरबिडन फॉर एनी मैन और वुमन हु आर नॉट महरम विद देम, मींस टू लुक एंड टू टच देम। यू कैन नॉट टच द न महरम, यू कैन नॉट टच द न महरम, यू कैन नॉट लुक एट द न महरम विद definitely with that sexual desires or with lust. Okay. Even wo bacche, even the child who can understand the good things and the bad things, like boys around 12 or 13 or girls around 8, 9 years old, you have to cover your head from that boy. And that's why I'm always saying the boys above 10 years old should be not allowed to come in the ladies' side in Imam Bargah especially. They have to stay in the boys' side. Don't say I am not baligh. Don't say I am not wajib. You know what is good, what is bad. Okay? But the doctors, if you have no option, you have appointment, you have sickness, and you're searching for the doctor, and doctor is male and you are a woman, or the doctor is a lady and you are a boy, can you go to them? Yes, you can. But with all these priorities, it's forbidden to look at the private parts. Okay. And especially for the people, even for the people who are mahram with you, mahram can touch you, you can look at mahram without a scarf, is okay. Even girls can look at the mahram, shake hand with them. Lekin uske bawajood, unki sharamgah ko nahin dekh sakte. Private parts is sharamgah and more. Theek hai. Lekin uske bawajood, hatta mahram ek dusre ke private parts ko nahin dekh sakte. Except husband and wife. Sighting control is ruling for both. Don't think कि सिर्फ boys को ऐसा है, boys के लिए ये है कि वो girls को नहीं देख सकते। नहीं, girls के लिए भी ऐसा है। वो normal body के वो normal part जो अपने culture में आप appear नहीं करते, show नहीं करते, अगर किसी दिन वो नजर आ रहा है, वो बैठा हुआ है, not private part, I'm not talking about private part, like knees or above knees, like chest and back, which is not usually open for everyone. Even it's not halal, even it's not halal to look at it. For girls also. There's a rule. And there's also the references for these rules. और इसी तरह से हराम है मर्द के लिए कि वो किसी औरत के बालों को देखे, किसी औरत के हाथ, फेस, फेस इतना जितना वुजू में धोना वाजिब है। कितना फेस धोना वाजिब है वुजू में? यहां से लेके बालों के उगने की जगह से चिन के एंड तक, और इसी तरह बिटवीन टू ईयर। ठीक, ये फेस है जो अनकवर रखा जा सकता है, और बिल्कुल इसी तरह से ये हाथ है जो अनकवर रखे जा सकते हैं, और पांव है जो कि गट्टे से नीचे, एंकल से नीचे। ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी ना महरम, ना महरम, यू नो व्हाट इज ना महरम, राइट? द पर्सन विच यू कैन मैरी विद हर, द लेडी विच यू कैन मैरी विद हर। अब आगे डिटेल उसकी आ जाएगी। सिर्फ आप उनके हाथ देख सकते हैं, पांव देख सकते हैं, बाल देख सकते हैं। और इस मसले में भी अगर कोई औरत जो हिजाब करती है, लाइक दैट लेडीज, द गर्ल्स हियर, दे आर प्रॉपरली डूइंग हिजाब, वन डे suddenly they are somewhere inside their house and they remove their scarf. उन्होंने अपना स्कार्फ उतारा हुआ है और आप वहां पहुंच जाते हैं, आपके लिए हराम है उस वक्त देखना। Yes, but for those ladies for not doing hijab, वो खवातीन जो हिजाब नहीं करती है, जो
जो हेड गवर्निंग करती हैं, उनके लिए अगर उनको देखा जाए, और डेफिनेटली विदाउट द सेक्सुअल इंटेंशन, अगर उनको देखा जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको देखा जा सकता, उनकी तरफ निगाह उठाई जा सकती है। एंड में इसकी डिटेल बताएं। इसी तरह मर्द, वो मर्द जो नॉर्मली अपनी जितने हिस्सा बदन का नॉर्मली खुला होता है उनका, वहां तक ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन उससे ज्यादा खुला हुआ है तो उसको देखना सही नहीं। ये रूलिंग बॉयज के लिए भी है और यही रूलिंग गर्ल्स के लिए, बट स्पेशली फॉर द वुमेन मस्ट कवर हेयर बॉडी बिकॉज दे आर फॉरबिडन टू एक्सपोज टू द गेज ऑफ स्पेशली गर्ल्स। अच्छा, अगर कवर कर लिया जाए, कवर करके जो एक ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, कवर करने का मतलब हिजाब डजंट मीन जस्ट स्कार्फ, नो, इंशाल्लाह हिजाब की वर्कशॉप में इसको डिटेल बताएंगे। योर बॉडी नॉट शुड एक्सपोज, इवन मेकअप, मेकअप के ऊपर भी डिटेल बात करेंगे हिजाब की वर्कशॉप, व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर द मेकअप व्हिच यू कैन डू विद स्कार्फ एंड हिजाब, एंड फॉर बॉयज ऑल्सो वो कौन सी चीजें, अगर कोई मेकअप की चीज स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए, वो बॉयज के लिए हराम है इस्तेमाल करना। इस वजह से हर वो लड़की, हर वो गर्ल जो कि बालिग है, प्लस 10 है, शी हैव टू कवर फॉर बॉयज। इसी तरह से बॉयज के लिए अलाउ नहीं है कि होना महरम को, बॉयज के लिए भी अच्छा, सिर्फ ये खवातीन के लिए हिजाब ये कि वो कवर कर ले, बॉयज के लिए हिजाब ये कि वो अपनी आईज को कवर रखें। आईज को कवर करना ज्यादा मुश्किल है अपनी बॉडी को कवर करने से, ऐसा नहीं है, आईज को कंट्रोल करना ज्यादा हार्ड है, बिकॉज यू कैन कवर योर बॉडी इजीली बट इट्स रियली हार्ड टू कवर योर आईज, कंट्रोल योर आईज, टू कंट्रोल योर डिजायर। मेहरम फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, देयर इज थ्री काइंड ऑफ मेहरम एंड ना मेहरम, लुक एट मी, देयर इज थ्री काइंड ऑफ मेहरम एंड ना मेहरम। वन, ब्लड रिलेटिव, द रिलेटिव हु आर रिलेशन, हु हैव रिलेशन टू यू बाय ब्लड, ओके, लाइक योर पेरेंट्स, लाइक योर चाइल्ड एंड लाइक योर सिबलिंग, एंड अगेन ग्रैंड पेरेंट्स, एंड अगेन अंकल एंड आंटी, एंड देयर इज अनदर काइंड ऑफ रिलेशन व्हिच इज नॉट ब्लड रिलेशन बट दे आर रिलेटिव, हाउ, विद स्पाउस, विद मैरिज, जब आप शादी करते हैं तो शादी के बाद आपके जो इन लॉज हैं, जो पेरेंट्स इन लॉ हैं, वो आपके लिए महरम है, फादर इन लॉ लड़की के लिए महरम है, और इसी तरह मदर इन लॉ लड़के के लिए महरम है, और इसी तरह एज अबव उनके पेरेंट्स भी इसी तरह। और थर्ड, वो महरम है कि जो नर्सिंग की वजह से, जो फीडिंग की वजह से, जो आजकल बहुत कम है, बहुत रेयर है। पहले क्या होता था कि नॉर्मली फीडिंग के लिए स्पेसिफिक ट्राइब्स होते थे कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग काउंट होते थे, वो आके बच्चों को फीड कराया करते थे, नर्सिंग कराया करते। तो फीडिंग की अलग रूलिंग्स हैं कि बच्चा कम से कम होल डे नाइट फीड करे, मिनिमम 15 टाइम फीड करे, एक ही औरत से फीड करे, ड्यूरिंग द फीडिंग कोई और गजा, वो सब डिटेल मसाइल है, इफ यू नीड टू आस्क अबाउट दैट यू कैन आस्क। Now, step by step, durud padhe baba Muhammad wali. Allahumma salli ala Muhammad. Your parents and the blood relations. Your parents are mahram to you. Girls, अपने parents के सामने, अपने father के सामने without scarf आ सकते। Means your father can look at your body, just वो प्राइवेट पार्ट्स नहीं शो कर सकते महरम को भी शो। इसी तरह बॉयज के लिए उनकी मदर, जो उनकी माँ है, वो महरम है,
आप उनको विदाउट स्कार्फ देख सकते हैं, आप उनके हाथ से ऊपर देख सकते हैं इसी तरह, ठीक है, उनके बाल देख सकते हैं जो नॉर्मल नॉन महरम के नहीं देख सकते, और इसी तरह से अबव जो मदर की मदर है, जो ग्रैंड मदर, जो नानी है, जो उनकी नानी है, जो उनकी नानी है, इसी तरह जो दादी है, जो मदर है आपके, उस दादी फादर्स मदर, वो आपके लिए महरम है, और इसी तरह से अबव जो उनकी मदर है, जो उनकी मदर है, जो ठीक, और इसी तरह फादर, फादर के फादर, मदर के फादर और उनके फादर, और इसी तरह जितने अबव हैं वो सारे मर्द आपके लिए महरम है, और इसी तरह उनके बहन भाई जो आपके मदर की बहन है, जो आपकी खाला है, क्योंकि इंग्लिश में एक आंटी और एक अंकल जो है वो सब पे आ जाता है, मतलब ये एवरीवन इज आंटी एवरीवन इज अंकल, बट इन शरिया नॉट लाइक दैट, सिर्फ वो जो आपकी मदर की रियल सिस्टर, ठीक है, या जो आपकी मदर की नर्सिंग सिस्टर, इसी तरह या वो जो आपकी मदर की स्टेप सिस्टर, द सेम मदर और द सेम फादर, इट्स डीजे, if you have something like this complicated relations you can ask me, is there madam to me, in simple aapki mothers ki jitni behne hain mehdi, all the sisters of your mother are mahram to you, okay, you can look at their ears, you can look at their elbow, okay, more than hand, more than ankle, more than face, aur isi tarah aapke father ke jitne bhai hain, जितने भी भाई हैं आपके फादर के, जितने भी भाई हैं आपके फादर के, आप उनको देख सकते हैं, उनके सामने आप हेड कवर, हेड अनकवर कर सकते हैं, इसी तरह आप उनके सामने हाथ से ज्यादा आस्तीन को ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, और एज अबव, व्हाट एज अबव, एज अबव मींस आपके ग्रैंडफादर के भाई, व्हाट एज अबव आपकी ग्रैंड मदर की जो बहन है वो भी आपके लिए इसी तरह मैं क्लियर, क्लियर, सेकेंड ब्रदर्स एंड सिस्टर विद सेम पेरेंट, बिकॉज दैट्स अ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड रिलेशंस, वो ब्रदर सिस्टर जो कि सेम पेरेंट्स है, फादर भी सेम है और मदर भी सेम है, जितने भी हो सब आपके मैरम काउंट होंगे, और इसी तरह उनके चिल्ड्रन, उनके बच्चे जो उनके चाइल्ड है, क्योंकि डेफिनेटली आप उनके लिए अगेन यू विल बी their mother's sister or their father's sister or their mother's brother or their father's brother, right? Like example, Mehdi के लिए मेहरम है इनकी अम्मी की बहने और इनके अब्बू के भाई, अब्बू की बहने, ठीक है, और इसी तरह से अलमदार के बच्चों के लिए मेहरम है मेहदी, clear? Girls में आ गए, बिल्कुल जिस तरह से जितने भाई भी जो है सारा के वो सिर्फ फसिया के लिए महरम है, ठीक है, जो फसिया के लॉज होंगे वो सारा के लिए महरम नहीं है, लेकिन जो बच्चे होंगे वो बेटे जो होंगे वो महरम होंगे, और इसी तरह जितना भी सिलसिला नीचे जाता है, क्लियर, वो जो नॉन ब्लड रिलेटिव हैं आपके वो कैसे हैं, जैसे स्पाउस, husband for wife and wife for husband, parents of spouse, आपके हम सफर के आपके शरीके जिंदगी के जो वालदेन हैं, जो आप अभी देखेंगे उनसे रिलेशन में, वो जितने ऊपर तक चले जाएं वो सब आपके लिए महरम का, जितने भी आपके पेरेंट, स्पाउस के पेरेंट, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स और इसी तरह, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि आपके फादर के भाई वगैरह सब आपके लिए महरम है, लेकिन आपके वो जो फादर इन लॉ हैं उनके भाई वगैरह आपके लिए महरम नहीं, जस्ट फादर इन लॉ महरम, जस्ट मदर इन लॉ महरम, ओके, और ये मर्दों के लिए स्पेशली कि उनके लिए सिस्टर इन लॉ जो है वो उनके लिए महरम काउंट नहीं हो रही, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर सकते, ये ऐसा क्वेश्चन है जो पाया जाता है, लोग समझते हैं कि सिस्टर इन लॉ से बिकॉज शादी नहीं हो सकती तो वो महरम, नहीं नहीं,
सिस्टर इन लॉ, सिस्टर ऑफ योर वाइफ, ठीक है, सिस्टर ऑफ योर अपकमिंग वाइफ विल बी नॉट मैरिड फॉर यू, क्लियर। सन या डॉटर इन लॉ, इसी तरह से जो, क्योंकि वो उनके ससुर काउंट होंगे, फादर इन लॉ काउंट हो गए, और इसी तरह उनके बच्चे ग्रैंड सन, स्टेप डॉटर ऑफ अ मैरिज, वो और जिससे शादी हुई है उसकी स्टेप डॉटर, उसकी पहले से जो बेटी थी वो इसी तरह बाप के लिए महरम हो जाए, ठीक है, और इसी तरह जो उसका पहले से बेटा था वो मां के लिए महरम, जब तक वो उनके साथ शादी में रहे, they will be mahram until their husband and wife, okay, is it clear or complicated? Clear. अगर मिसाल के तौर पे एक फादर है हसन, ठीक है, हसन की बेटी है ज़ैनब, ठीक, like okay, हज़रत अली की बेटी कौन है? ज़ैनब। बीबी ज़ैनब का स्टेप ब्रदर कौन है? अब्बास, हज़रत अब्बास, ठीक है, फादर सेम है, मदर सेम नहीं है, ठीक है, वो दोनों महरम काउंट हैं, क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चन? सर, व्हेन द हाफ ब्रदर्स डिफरेंट या सर? व्हाट इज हाफ ब्रदर? सर, पेरेंट्स आप लोग के सेम होते हैं। नहीं, पेरेंट में से कोई एक सेम होना चाहिए, हाफ ब्रदर, एक सेम होगा तो हाफ ब्रदर है, हाफ ब्रदर, राइट, हाफ ब्रदर, हाफ ब्रदर, ओके, अगर पेरेंट एक सेम है तो वो हाफ ब्रदर है। स्टेप वो है जो कि पहले से था, मिसाल के तौर पे किसी ऐसी औरत से शादी की जाए जिसका पहले से एक बच्चा था या पहले से एक बेटी थी, तो वो हस्बैंड के लिए महरम हो जाए जब तक वो उससे शादी नहीं, क्लियर नहीं हुआ? ओके, अनदर एग्जांपल, देयर इज अ लेडी, एक बंदी है, इसका नाम है ज़हरा, ठीक है, बंदा है, इसका नाम है हसन, ज़हरा की पहले से एक बेटी है जिसका नाम है ज़हरा, अब ज़हरा जब शादी कर रही है हसन से तो हसन के लिए वो ज़हरा महरम हो जाएगा, क्लियर ना? गिव मी एग्जांपल। Maddie marries. Ali is going to marry with the Zahra, okay? Zahra is already daughter before marriage. The name is Zainab. That Zainab will be mahram for Ali. Clear? That is story. Step daughter. ठीक है? ये पहले से ज़ैनब जो है वो पहले से बेटी है ज़हरा, और अली जब ज़हरा से शादी करेगा तो ये ज़ैनब ऑटोमेटिकली इसकी महरम हो जाएगी, कब तक? अंटिल द ज़हरा इज वाइफ ऑफ अली, जिस दिन ज़हरा की डेथ हो जाएगी इनकी महरमियत खत्म हो जाएगी, देन अगेन दे विल बी नॉन महरम फॉर ईच अदर, क्लियर? सलवार पढ़ें। There's a question. Mom, raise your hand high. I will give you question time after. Stepmother and step-grandmother. And again, for the Zainab, the mother of Ali will be, the father of Ali will be mahram for Zainab. And again, unke walid, unke abbu, unke grandfather. ठीक है? समझ आ रहा है क्या? ज़ैनब के लिए अली के फादर महरम हो जाए, और इसी तरह उनके फादर महरम हो जाए, लास्ट महरम बाय नर्सिंग, ये वो फिट कराने की वजह से अगर कोई महरम बनता है,
जिसके मसाइल डिटेल बुक्स में देख सकते हैं. डू यू नो द वेबसाइट एड्रेस ऑफ आयतुल्लाह सिस्तानी? sistani.org. There's a book in English, Urdu, Persian, Arabic, French, any language you can understand. Some ahadith. There's a hadith for Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wa salam. An-nadarahu sahmun min sahami iblis in masmoon. नजर का तीर, निगाह का तीर इबलीस के ऐसे तीरों में से, ऐसे एरोज में से जो कि ऑलरेडी पॉइजन है, ठीक है, जिसकी वजह से आने वाली जिंदगी में बहुत मुश्किलें पैदा होती हैं. इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि आइज आर द ट्रैप्स ऑफ शैतान, आंखों के जरिए शैतान तुम लोगों को बहकाता है. ये उसके लिए ट्रैप, ये उसके लिए फंदे हैं. अब इस मौके पे क्या किया जाए, किस तरह जिंदगी गुजारी जाए? आयतुल्लाह सैयद हसन ज़ादा खान कुछ जवान उनके सामने पहुंचे और उनसे युद्ध उनके पास आया. उन्होंने कहा कि महरम और नामहरम की डेफिनेशन क्या है? आयतुल्लाह हसन ज़ादा अमली कहते हैं, जो खुदा का महरम है वो तुम्हारा महरम, जो खुदा का नामहरम है वो तुम्हारा. मीन्स जो तुम्हारे खुदा पे बिलीव नहीं रखता, जो तुम्हारे अकीदे के साथ नहीं है, वो तुम्हारे लिए ना महरम की ऐसे होता है. जो तुम्हारे जैसा बिलीव नहीं रखता वो तुम्हारे लिए ना महरम की ऐसे होता है. शेख रजब अली खयाल एक आरिफ गुजरे हैं और रियली पाइस मैन इन द करंट सेंचुरी इन द ईरान. उनसे पूछा गया कि किस तरह से इस चीज से बचा जाए. हम यहां रहते हैं, हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं देयर आर बंच ऑफ नामहरम. वहां गर्ल्स हैं जो विदाउट स्कार्फ हैं, वहां गर्ल्स हैं जो मेकअप के साथ घूम रही हैं, जो बहुत ही अजीब ड्रेसिंग में हैं. किस तरह से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं? इसी तरह यहां बॉयज हैं जो इस तरह बाहर घूम रहे हैं जैसे नहीं घूमा जाना चाहिए. किस तरह हम अपने आप को बचा सकते हैं? शेख रजब अली खयाल कहते हैं, सिर्फ या खैर हबीब व महबूब पढ़ कर. ये जिक्र है या खैर हबीब व महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कह खुदा मैं तुझे पसंद करता हूं तो मैं सिर्फ उसे पसंद करूंगा जिसको तू पसंद करता है. व्हेन आई लाइक यू देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लाइक द पर्सन हु ऑलरेडी लाइक्स यू. और इसी के साथ ये एक्टिविटी है जो आपको दी जाएगी, सॉरी दूसरा चार्ट है जिसके अंदर ये बताना होगा कि आप, आपके फादर, आपकी मदर और उनके कुछ रिलेटिव्स, यहां तक पूरा चार्ट फिल करना. और अगर जस्ट इन केस आपके मदर का कोई भाई नहीं है तो लिख देंगे भाई नहीं, आपके फादर का कोई भाई नहीं है तो लिख दें उनका कोई भाई नहीं, ठीक है. एक्टिविटी 20 मिनट्स क्वेश्चन आंसर ब्रेक के बाद. मैं मोहम्मद आलम मोहम्मद अब अगेन स्टार्ट करना ताकि मैं आपको